हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, और ये बहुत टफ टॉपिक भी है, कठिन भी है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपका सुनिश्चित होता है आपके यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, एक प्रश्न आपको यहाँ पे निश्चित रूप से मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे पेपर का भी सॉल्व कुछ दिखा दूँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उससे आप यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे कि ये हर बार आता है। आप देखिए, ये आपको आसानी से किसी किताबों में भी नहीं मिलने वाला है और ना ही आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने का। यदि आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें एक एनर्जी मिलती है, लगता है कि हाँ आपको यूजफुल लग रहे हैं हमारी वीडियोस, तो इसलिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परिवहन जाल ग्राफ यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी मॉडल या ग्राफ के बारे में बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात की, यदि आप क्रैश कोर्स चाहते हैं या कम्प्लीट कोर्स चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, दिसंबर का जो पेपर होने वाला है उसका भी बैच जल्दी चालू होने वाला है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि जाल क्या होता है। जो देखिए नेटवर्क, आप नॉर्मली जाल का मतलब समझते हैं कि जो प्रतिच्छेदित रेखाएँ और उनके अंतरालों का जाली नुमा बनावट, ठीक, ये क्या होता है, ये जाल कहा जाएगा। जाल के कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये नॉर्मल टाइप्स हैं। आपको देखिए, ये जो टाइप्स हैं या इसके कुछ भी आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, बस जो आपका पूछा जाएगा डायरेक्ट वो प्रश्न देके पूछता है, ठीक। मैं आगे प्रश्न को इंक्लूड करूँगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ये पॉल रिवर का राइड नेटवर्क मॉडल है, ठीक, इस तरह से इन्होंने बनाए रखा था। हायरार्कियल नेटवर्क मॉडल इस तरह से होता है, ठीक। हैमिल्टन का जो नेटवर्क मॉडल ये है, और फुली जो कनेक्टेड नेटवर्क मॉडल है यानी कि नॉन प्लानर, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फुली कनेक्टेड है, पूर्ण रूप से संयोजित है। कैसे, यहाँ देखिए, इससे भी, इससे भी, इससे भी कनेक्टेड है। ये जो आपका, ये भी तीनों से कनेक्टेड है, ये आपका, ये भी तीन से कनेक्टेड है, यहाँ से ये चार से कनेक्टेड, इसके सामने चार है तो चार से कनेक्टेड है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए वर्टिसेस और एजेस निकाला गया है। एजेस और वर्टिसेस का मतलब हम आपको आगे स्पष्ट करेंगे, बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाते हुए चलेंगे कि देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, नोड होते हैं, इसे बोला जाता है वर्टिसेस। ये सीट से आ कर सकते हैं आप, तो ये पाँच यहाँ पे हो गए, पाँच पॉइंट हैं। अब देखिए पाँच पॉइंट से जो एजेस क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, या दो स्थानों को, दो वर्टिसेस को मिलाने वाली रेखा जो होती है एजेस कहलाती है। यहाँ पे देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो वर्टिसेस के एजेस कितने हो गए, चार हो गए। यहाँ पे देखिए हायरार्कियल मॉडल में, तो ये कितने हैं टोटल, पांच हैं, तो एक आपका ये हो गया एजेस, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो ये भी चार है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वर्टिसेज आपका पाँच है, लेकिन एजेस एक, दो, तीन, चार, पाँच, एजेस भी यहाँ पे पाँच हो गए। आगे देखिए यहाँ पे वर्टिसेस फाइव हैं। एजेस की बात करें तो एजेस देखिए एक इधर हो गया, दो यहाँ पे है, तीन आपका यहाँ हो गया, चार यहाँ हो गया, पाँच ये वाला हो गया, ठीक, छः ये वाला हो गया, सात ये हो गया, तो यहाँ पे आपका सात हो गया, ये जो है ये आपका आठ हो गया, टोटल आठ एजेस हो गए, ठीक। तो वी जो आपका ये नोड्स या वर्टेक्स, और ई जो है एजेस या लिंकेजेस को, दो नोड्स को जोड़ने वाली रेखा को एजेस या लिंकेजेस कहते हैं। अब देखिए ग्राफ के यही जो है आपके एलिमेंट होते हैं, इन्हीं एलिमेंट को फोकस करके चलना, बस एक बार प्रॉपर आप समझ लीजिए, आसानी से कर जाएंगे, बहुत ही आसान ही होता है ये। संयोजन या एजेस क्या होते हैं, कि वे परिवहन रेखाएँ जिनके सहारे गुड्स यानी माल, मनुष्य एवं विचारों का वहन किया जाता है। संयोजन के बिना परिवहन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, बिना एजेस के कोई भी परिवहन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप वर्टेक्स को यहीं रखेंगे, जब इसे मिलाएंगे तो एजेस हो जाएगा, बिना एजेस के कोई परिवहन नहीं बनेगा। तो ई क्या हो गया, एजेस, यानी कि इसे ई से डिनोट करते हैं, दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को एजेस कहा जाता है।
अगला है केंद्र या नोड्स या वर्टिसेस, इसे वी से डिनोट करते हैं। भूतल पर स्थानिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो उत्पत्ति एवं निर्दिष्ट जो स्थल केंद्र होते हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है, उन्हीं स्थल केंद्रों को नोड्स कहा जाता है। मान लीजिए आपका एक कंपनी की फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, या उसकी इकाई एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक, सबका मिला के, तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ बन रहा है, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, तो तीनों को एक दूसरे से मतलब भी है। तो ये क्या हो गया, ये बिना एजेस के संपर्क के ये स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं स्थल केंद्रों को क्या बोला जाएगा, नोट बोला जाएगा। मिलाने वाली रेखा को एजेस बोलते हैं, संयोजित बोलते हैं। परिपथ क्या होता है यानी सर्किट, तो सर्किट क्या होता है कि परिपथ एक सीमाबंध मार्ग होता है जिसका आंतरिक केंद्र संयोजन अनुक्रम में अंतिम केंद्र के संगति होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई नोड है, ठीक, ये एजेज, ये एजेज, ये एजेज सब आपस में मिले हैं, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, एक प्रकार का सर्किट बना रहा है, आंतरिक केंद्र है। पथ की लंबाई की बात करें तो दो युग्मों को जोड़ने वाले संयोजनों यानी ई संयोजनों की संख्या को परिपथ की लंबाई कहते हैं। मान लीजिए दो युग्म यहाँ पे हैं, तो ये परिपथ की लंबाई यहाँ पे एक हो गई। यदि परिपथ की लंबाई या पथ की लंबाई पूछे, मान लीजिए यहाँ पे दो तीन दे दिया, तो ये परिपथ की लंबाई या पथ की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक ये है, दो हो गया, ये तीन हो गया, यानी एक प्रकार से ये एजेज की ही संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला जो है डिस्टेंस ऑफ पाथ, यानी कि पथ की दूरी क्या होती है, तो दो केंद्रों के जो युग्म होते हैं उनके बीच न्यूनतम पथ लंबाई को पथ दूरी कहते हैं। इसे ही आप डायमीटर भी कह सकते हैं, व्यास भी इसे कहा जा सकता है, या व्यास सूचकांक भी इसी से निकाले जाते हैं। तो दो केंद्रों केंद्र युग्म, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये दोनों, ये मान लीजिए V1 हो गया, ये V2 है, ये V3 हो गया, और ये V4 है। तो V1 से लेके V4 का जो ये पाथ है, तो कह रहा है कि इनके बीच जो न्यूनतम लंबाई आपको निकालनी होगी, तो वो न्यूनतम पाथ जो है कहाँ से निकालना है, ये आपको यहाँ से पता हो जाएगा। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ पाथ है कि दो केंद्र युग्म के बीच न्यूनतम लंबाई को, एसोसिएट क्रमांक क्या होता है, एक केंद्र विशेष और उस परिवहन जाल में सबसे दूर स्थित जो केंद्र होता है यानी वी की पथ दूरी को उस केंद्र विशेष का एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। समझ में आई बात, और यही आपका मेन रूप से इसे ही डायमीटर कहा जाता है। प्रश्न आपको आगे इस तरह से मिलेंगे, एजेस डायमीटर पता करने के लिए दिया रहेगा। तो क्या दिया है कि एक केंद्र विशेष और उस परिवहन जाल में सबसे दूर स्थित केंद्र, यानी कि मान लीजिए कोई परिवहन जाल है, एक दो तीन चार यहाँ पे कोई हो गया, ठीक। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो गया, ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला है, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, ठीक। अब इसमें सबसे दूर जो मान लीजिए ये V1 हो गया, V2 हो गया, ये V3 हो गया, V4 हो गया, ये V5 हो गया, तो सबसे दूर कौन है, V5 है, ठीक। यही तो कह रहा है यहाँ पे, एक केंद्र विशेष और उस परिवहन जाल में सबसे दूर स्थित केंद्र, यानी इसका पथ की दूरी, अभी हमने आपको बताया ना पथ की दूरी, पथ की दूरी को उस केंद्र विशेष का एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। तो इनके बीच जो पथ की दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया V2 से लेके V4 तक, दूसरा आपका V4 से लेके V5 तक, ये तीन हो गए, ठीक। समझ में आई बात, ये न्यूनतम दूरी की बात किया है, और हम तो यहाँ से लेके इधर भी, इधर भी, इस तरह से भी हम लोग घूम सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे घूमा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि सबसे दूर स्थित केंद्र की पथ दूरी को उस केंद्र विशेष का एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पथ की लंबाई में दिए गए चित्र में V1 से लेके, मान लीजिए नीचे एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पे V1 केंद्र से V6 केंद्र की दूरी सबसे अधिक है, तो V1 केंद्र का जो एसोसिएट क्रमांक होगा 3 होगा, क्योंकि V1 से V6 केंद्र युग्म के बीच की जो पथ दूरी है वो 3 है। समझ में आई बात, डिस्टेंस ऑफ पाथ एंड एसोसिएट क्रमांक एंड आपका डायमीटर बोथ आर सेम, जो यहाँ पे इन दोनों पथ की दूरी एसोसिएट क्रमांक ये आपका सब सेम है, व्यास भी आपका सेम ही है। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक एसोसिएट क्रमांक जाल का डायमीटर क्रमांक, जाल को डायमीटर कहा जाता है या व्यास कहा जाता है। अगला है सब ग्राफ, सब ग्राफ क्या होता है, इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कहीं आपको पी भी मिल जाएगा। जब परिवहन जाल पूर्णतया संयोजित हो,
मान लीजिए ये आपका कोई परिवहन जाल हो, पूर्णतः संयोजित हो, तब उसे ग्राफ या जाल कहा जाता है। लेकिन उस ग्राफ में से यदि किसी मार्ग को हटा दिया जाए तो वह जाल जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में विभाजित होने वाले ग्राफ को उपग्राफ कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है सभी चीज़ें, यहाँ से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। यहाँ से आपका V1 से लेके V6 दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका वर्टिसेस हैं या जो नोड्स हैं वो कितने हो जाएंगे। V जो है नोड्स को प्रदर्शित करता है, जो पॉइंट है उसके, तो आपके 6 पॉइंट हैं, एक V6 तक है तो 6 पॉइंट हो गए। ठीक, एजेस कितने हैं ये देख लीजिए, एजेज तो एक आपका V1 से लेके V2 तक एक हो गया, और V1 से लेके V3 तक दो हो गया, V2 से लेके V3 आपका तीन हो गया। ठीक, V3 से लेके V4 आपका चार हो गया, V2 से लेके V4 आपका पाँच हो गया, V2 से लेके V5 आपका छः हो गया, और V5 से लेके V6 आपका सात हो गया। ठीक, जितने इसमें जुड़े हों, जहाँ से भी रेखाएँ जुड़े, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने किया सब आपको वैसे करना है। समझ में आई बात? तो कितने हुए यहाँ पे, सात हुए। फिर से देख लीजिए कैसे हमने किया, यहाँ पे आपका इसको और ज़्यादा जूम कर दें थोड़ा सा, अब आपको और ज़्यादा स्पष्ट यहाँ से मैं बता पाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए V1 से लेके V2 तक का एक एजेज हो गया, V2 से V3 तक का दूसरा एजेज हो गया, V1 से लेके V3 तक का तीसरा हो गया, V3 से V4 आपका चार हो गया, V4 से V2 आपका पाँच हो गया, ये आपका V2 से V5 आपका छः हो गया, V5 से V6 आपका सात हो गया। तो टोटल एजेस कितने हो गए, सात हो गए। समझ में आई बात? कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब परिपथ की बात करें, परिपथ में हमने बताया कि आपको जो सर्किट होता है वो पूरी तरह से संयोजित होता है, तो संयोजन पूरी तरह से ये आपका एक हो गया V1, V2 और V3। ठीक, एक परिपथ ये हो गया। दूसरा परिपथ यहाँ से है V2, V3 एंड V4। ठीक, दूसरा परिपथ ये हो गया, तो दो परिपथ इसमें आपको दिखे। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पाथ जो निकालना है इसका, आपको देखिए क्या इसे निकलेगा। तो डिस्टेंस ऑफ पाथ यहाँ पे कि आपका जो अधिकतम लंबाई दो युग्मों की V1 से लेके V6 है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V1 से V2 जाना पड़ेगा, एक हो गया, V2 से आपका V5 जाना पड़ेगा, दो हो गया, V5 से V6 आपका तीन हो गया। तो न्यूनतम दूरी और अधिकतम बिंदु, समझ में आया बात, पथ की दूरी हो गई, तो ये आपके तीन हो गए। तो लेंथ ऑफ पाथ की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो V1 से लेके V6 तक जो दो केंद्र युग्मों को जोड़ने वाली E की संख्या यानी एजेज है। ठीक, तो ये आपके कितने एजेज, एजेज भी आप काउंट कर लेंगे मिनिमम, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, ये एजेज भी आपका डायमीटर को प्रदर्शित करेंगे, जो न्यूनतम दूरी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी। ठीक, तो यही आपका पथ की लंबाई भी कहा जाता है। आगे है परिवहन जाल की संयोजकता। तो पीटर हैगेट ने परिवहन जाल की जो संयोजकता है उसका वर्गीकरण किया, पथ की संयोजकता, शाखन संयोजकता, परिपथ संयोजकता और कोशिका या बाधक संयोजकता। ये देखिए आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा नहीं, इसलिए इसको आप एलिमिनेट करके चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता होगी तो मैं बाद में आपको इस पर एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों का टारगेट चल रहा है, यह आगामी आपका सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को फोकस करके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ें एकदम महत्वपूर्ण है कि वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाना है, इसलिए उन्हीं विषय को यहाँ पर हम करा रहे हैं। कांस्की महोदय ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका गैर अनुपातिक सूचकांक, दूसरा अनुपातिक सूचकांक। गैर अनुपातिक को ब्याज सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि ये सीधा परिवहन जाल से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे म्यू बराबर होता है ई माइनस वी प्लस जी, जिसमें म्यू आपका क्या है, साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक है, ई जो है एजेस है, वी आपका वर्टिसेस है या नोड्स है, जी है जो आपका ये सब ग्राफ है यानी यह असंबद्ध जो ग्राफ है उनकी संख्या है। समझ में आई बात? अब देखिए जो अनुपातिक सूचकांक निकाल, इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, यदि आपको देखिए गैर अनुपातिक सूचकांक निकालना है, ब्याज सूचकांक निकालना है, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अनुपातिक सूचकांक की हम लोग बात कर लें तो अनुपातिक सूचकांक पे नंबर वन आपका होता है बीटा सूचकांक। बीटा सूचकांक बराबर होता है मार्गों की संख्या बटे केंद्र की संख्या, मार्ग की संख्या यानी कि एजेज अपॉन नोड्स।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि शाखन संयोजकता प्लस असंबद्ध मार्ग वाले जाल, शाखन संयोजकता और जो असंबद्ध मार्ग वाले जाल हैं उनका जो बीटा संयोजकता होती है या बीटा जो बीटा का मान उसमें होता है वो एक से कम होता है। परिपथ या केंद्र बिंदु के मध्य में कई मार्ग वाले जो जाल होते हैं उसका जो बीटा का मान वहाँ पे होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगला है कि अल्फा सूचकांक, बीटा का मान क्या हो गया, ई अपान वी, याद रखिएगा आगे मिलेगा ये। अल्फा सूचकांक निकाला कैसे जाता है, तो अल्फा बराबर होता है म्यू अपान टू वी माइनस फाइव। म्यू क्या हो गया, साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक बटे टू वी यानी नोट्स माइनस फाइव। तो म्यू आपने निकाला था कि ई माइनस वी प्लस जी अपान टू वी माइनस फाइव, इस तरह से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालना है आपको साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक, इस फिगर से साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप नोड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नोड्स आपको कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा का मान निकालना है, अल्फ़ा यहाँ का, ठीक। तो साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक पहले निकाल लें फिर अल्फ़ा निकल जाएगा। तो जी का क्या मान हो जाएगा यहाँ पे, उपग्राफ, तो ये असंबद्ध सभी हैं तो आपका वन हो गया इसका। और उसके बाद जो यहाँ पे एजेज की संख्या है, एजेज आपका एक दो तीन और चार हो गए। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस एक दो तीन चार पाँच, तो टोटल ये आपका नोड्स पाँच हो गए। अब यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालिए, तो अल्फ़ा ई बराबर फोर हो गया, फोर माइनस फाइव प्लस वन अपान दो गुड़े वी, वी कितना है फाइव है, पाँच दूनी दस माइनस पाँच, तो ये आपका माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन ये आपका जीरो हो गया, ठीक। जीरो बटे पाँच ये आपका अल्फ़ा का मान जीरो हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे में देखिए, दूसरे में दिया है यहाँ पे, तो ये टोटल आपके कितने हो गए हैं नोट्स, फाइव नोट्स हैं, एक दो तीन चार पाँच। और एजेस कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः एजेज हो गए। और जी का मान कितना हो गया यहाँ पे, सब ग्राफ में आपका एक ही है तो यहाँ पे निकाल लीजिए, सिक्स माइनस फाइव प्लस वन, तो सिक्स माइनस फाइव आपका वन हो गया, वन प्लस वन अपान, तो ये आपका टू अपान फाइव, तो काटेंगे इसको आप तो पाँच जीरो दशमलव जाएगा, पाँच चौक बीस, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसमें आपको कोई विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आया बात। अब देखिए गामा निर्देशांक, गामा सूचकांक या इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जिसमें नेटवर्क असंबद्ध ग्राफ से विचलित हो जाता है। इसमें गामा बराबर होता है ई अपान थ्री वी माइनस टू, इसमें सूचकांक का मान जीरो से लेके एक के बीच होता है। अभी तक कभी भी यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, अल्फा से भी प्रश्न नहीं आया, बीटा एक बार पूछा गया है। विकसित देशों में जो गामा का मान होता है एक होता है, जबकि विकासशील देशों में पॉइंट सेवन से भी कम लगभग में आता है। संगम स्थल या अभिगम्यता के निर्धारण में न्यूनतम पथ व्यू की उपयोगिता क्या होती है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया, उसको आप ध्यान रखिए। एसोसिएट क्रमांक या कोनिक सूचकांक की परिवहन जाल में केंद्र विशेष और उस जाल में स्थित अन्य केंद्रों के बीच की जो पथ दूरी है, ठीक, क्या है, पथ दूरी, पथ दूरी को एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। सिंबल जो अधिगम्यता होती है या एसेसिबल इंडेक्स होता है उसको यहाँ से आप निकाल पाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे देखिए जे इज इक्वल टू आई डी आई जे सूत्र से, ये आपका इसमें इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं भी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एन जो है इसमें जो दिया गया है, एन आपका जाल केंद्र का है, कितने केंद्र हैं जाल के। आई जो है ये आपका सिंबल है सूचकांक का। आई जे जो यहाँ पर डी आई जे है, इसमें उत्पत्ति व निश्चित स्थान है यहाँ पर। और जो डी लग गया था यानी कि न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक, डिफरेंस को। प्रसरण और फैलाव सूचकांक की बात करें तो किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की जो स्थानिक व्यवस्था है उसको बताने का काम प्रसरण या फैलाव सूचकांक का होता है, ठीक। अगला है स्पेशियल फ्लो मॉडल। स्पेशियल फ्लो मॉडल ये आपका परिवहन भूगोल का ही टॉपिक है, तो इसमें हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जून 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में परिवहन ग्राफ से बीटा इंडेक्स की गणना करना है। तो बीटा इंडेक्स हमने बताया कि बीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ई अपान वी होता है, क्या होता है, ई अपान वी यानी एजेज अपान नोट्स होता है। तो इसमें आपको निकालना है यहाँ से कि कौन सा एजेज की संख्या कितनी इसमें हो गई,
तो इसमें e का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक ये हो गया, दो ये हो गया, देखिए ये पॉइंट हैं आपके, ठीक ये आपके पॉइंट हैं, दो हो गया, फिर ये आपका यहाँ से तीन हो गया, ये जो मिला है चार हो गया, इधर आपका ये पाँच हो गया, ये आपका छः हो गया, ठीक यहाँ से आपका ये सात हो गया, ये आपका आठ हो गया। आठ के बाद यहाँ पे अब देखिए आप, ये यहाँ से इधर मिलाया गया है, आप लाइनिंग पे या जो कर्व बनेगा इस पर आपको नहीं ध्यान देना, केवल आपको ये देखना है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी का कहाँ मिलान किया गया, चाहे वो सीधी रेखा में हो चाहे वो कर्व रूप में हो, उसको काउंट करना है कितना, एक ही काउंट करना है। तो आठ हो गया था, तो आठ का एक ये नौ हो गया, ठीक, और यहाँ से यहाँ ये मिला है तो ये आपका दस हो गया, इसके बाद यहाँ पर है तो ये आपका ग्यारह हो गया। तो हमारे पास एजेस कितने मिल गए, ग्यारह, ठीक एजेज कितने मिले, 11 एजेज हो गए। अब उसके बाद जो आपके नोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नोट्स यहाँ पे एक आपका ये हो गया, दो नोट्स ये हो गया, तीन चार पाँच छः, ठीक ये छः नोट्स हो गए। तो वी का मान हो गया छः, बीटा बराबर क्या हमने बोला आपको, बीटा बराबर होता है ई अपान वी, यानी 11 बटे छः, कितना आ जाएगा, छः कन्नम छः, और ये छः पाँच ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह में ऐसे भाग दे लीजिए, नॉर्मल सी बात है, छः कन्नम छः पाँच आ जाएगा, ठीक दशमलव बढ़ाइए जीरो उतारिए, छः अठे अड़तालीस, दो आया फिर दशमलव बढ़ाइए जीरो उतार लीजिए, छः त्रिक अट्ठारह, तो ये तीन आएगा, यानी कि आपका 1.8 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें जो बीटा सूचकांक का मान है, बीटा इंडेक्स है, वो कितना आ गया 1.8। तो 1.8 का मतलब यहाँ पे जो आपका लगभग आंसर जो सही हो जाएगा 1.5, लेकिन ये 2 भी आपका यहाँ पे राइट हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये आपका 1.5 से अधिक है, तो निकटतम में 8 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो ऑफिशियल की दिया गया था तो 1.5 दिया गया था, तो इस तरह से आपको ये निकालना, बीटा इंडेक्स हमने बताया कि ई अपान वी हो जाएगा, ठीक समझ में आई बात। तो 639 के लगभग ये आपका हो जाएगा 1.5, यही आपका करेक्ट आंसर मानिएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है कि वर्टिसेस 6 एज 6 डायमीटर 3, ठीक डायमीटर कितना 3। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें एलिमिनेट मेथड यूज करते हैं कि किसमें वर्टिसेस 6 हैं, केंद्र 6 हैं, तो जिसमें नहीं है उसको हटा देते हैं, इसमें आपका 6 वर्टिसेस हैं, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है, इसको हटा दीजिए, इसमें भी 5 है, ठीक 1 2 3 4 5 नहीं 6 है इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 ये हटा दीजिए, एक एलिमिनेट हो गया, एजेज 6 निकाल लीजिए कि इसमें एजेज 6 हैं, तो एजेज आपका 1 2 3 4 5 ही एजेज हैं, तो ये क्रॉप हो गया, यानी कि दो ऑप्शन आपके गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इस पे आइए 1 2 3 4 5 6 7 ये भी आपका कट गया, ठीक इसमें 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये तीनों तो आपके एलिमिनेट हो ही चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो उत्तर होगा आपका यही होगा, ये वाला। अब देखिए कि अब अगला आपको निकालना है, ऐसे डायमीटर भी चेक करना है, डायमीटर यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो मैक्सिमम लंबाई होती है, जो दूर स्थित जो बिंदु हैं उनके बीच जो न्यूनतम लंबाई है। अब देखिए यहाँ पे 1 है और ये 6 है, दोनों दूर ही हैं, ठीक, या यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 2 और 6 ये इसकी अपेक्षा यहाँ की दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ से यदि आप डायमीटर निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 एजेज हैं, पथ की लंबाई 3 है, तो डायमीटर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए इन सब का भी डायमीटर ऐसे निकालेंगे तो
तो यहाँ पे भी आपका एक दूर तीन डायमीटर हो जाएगा। इसका देखिए इनका डायमीटर सेम हो जाएगा, यहाँ से लेके इसका निकालना है तो एक दो तीन चार पाँच डायमीटर इसके फाइव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपने देखा कि वर्टिसेस एजेस और डायमीटर आपके कितने हो गए, छः इसमें एजेस भी डायमीटर भी तीन। समझ में आई बात? आगे आइए, कौन सा कूट नेटवर्क के वर्टिसेस और एजेस डायमीटर की सही संख्या को प्रदर्शित करता है? अब देखिए ये वाला प्रश्न कई बार आपसे पूछा है। इसमें हम लोग वर्टिसेस निकालते हैं, एजेस निकालते हैं, फिर डायमीटर निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो वर्टिसेस कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो वर्टिसेस कितने हो गए, दस हो गए। एजेस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस एजेस हो गए। ठीक, दस वर्टिसेस दस एजेस। अब आता है नंबर डायमीटर का। ठीक, डायमीटर यानी कि दो अधिकतम दूरी पे स्थित बिंदु, दो अधिकतम दूरी पे स्थित बिंदु और उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका फाइव है और टेन है। ठीक, जितनी दूरी यहाँ से ये आपका दिख रहा है उतनी दूरी इसकी इसके बीच नहीं दिख रही है। ठीक, फिलहाल चाहे यहाँ से आप निकालिए चाहे यहाँ से, दोनों से लगभग ये सेम ही आएगा। लेकिन ये इन दोनों के बीच जो मैक्सिमम पॉइंट है, देखिए डायमीटर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे ये दस है ये दस है। ठीक, डायमीटर हमने यही बताया कि दो अधिकतम दूरी पे स्थित बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी निकाला कैसे जाए। तो यहाँ पे आपका फाइव और टेन अधिकतम दूरी पे हैं, तो ये आपका डायमीटर का जैसे पथ की लंबाई क्या होगी या एजेज जो होगा वही नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका डायमीटर, लेकिन वो उन्हीं पॉइंट्स के बीच होगा नंबर ऑफ एजेज, जैसे फाइव और टेन के बीच। तो निकालिए, फाइव और फोर के बीच एक हो गया, फोर और वन के बीच दो हो गया दूसरा, फिर यहाँ से एक छः तीसरा, छः से सात चौथा, सात से आठ पाँचवा, आठ से नौ छठा, नौ से दस सातवां। ठीक, तो टोटल डायमीटर क्या हो गया, सात हो गया। समझ में आई बात? अब वर्टिसेज में आपका टेन टेन सेवन, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे दिया ब्याज सूचकांक या संशोधक, यानी कि ब्याज सूचकांक का मतलब यहाँ पे यही समझिए केवल डायमीटर से आपका मतलब है। डायमीटर निकालना, तो अधिकतम दूरी यहाँ पे कौन दिख रहा है, ए से लेके जी तक का ये मैक्सिमम दूरी, तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, ए से बी तक का एक, बी से सी दो, सी से एफ तीन, एफ से जी चार, तो डायमीटर क्या हो गया यहाँ पे आपका फोर हो गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे ब्याज सूचकांक आपने पढ़ा था कि म्यू बराबर ई माइनस वी प्लस जी या ठीक जी, ई इतने में कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ई है। माइनस नोट कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं। ठीक, प्लस जी का मान कितना है यहाँ पे, ठीक जी का मान कितना है, यानी कि जी का मान का मतलब कि ऐसे उपसमूह में इसे यहाँ से पॉइंट में निकालना होगा कि ताकि ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, जो असंबद्ध वाला एरिया उसको छोड़ के। तो एक दो तीन इसके उपग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा वन प्लस थ्री यानी कि फोर। ठीक, तो यहाँ पे जाने का बजाय आप जहाँ पे ब्याज सूचकांक दिया रहे तो वहाँ पे आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का मतलब दो अधिकतम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, दो विशेष दूरी पर स्थित बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यहाँ से आपका ये न्यूनतम हो जाएगा। हम यहाँ से लेके यहाँ से घुमा के इधर भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायमीटर का बोला है कि जो न्यूनतम दूरी है उसको आपको निकालनी है, इसलिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, ए और जी के बीच एक दो तीन और चार, तो डायमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फोर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फोर। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका नवंबर 2017 का पेपर नंबर थर्ड हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे छह बिंदुओं के बीच के जो प्रतिच्छेदक संपर्क, अब देखिए प्रतिच्छेदक बिंदुओं के बीच के प्रतिच्छेदक संपर्क को ही एजेज कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए,
चाहे इसे बोल दीजिए, ये इसको इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही हैं ये रेखाएं। तो यहाँ पे आपका ये यानी कि क्या निकालना है, ये जेज निकालना है, ये 2016 का जुलाई का पेपर है। अब यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया कि दो बिंदु मिला रहे हो, चाहे कर्व में मिला रहे हो चाहे सीधी रेखा में मिला रहे हो, सब आपका ये जेज होता है। तो पहला तो एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ठीक, पाँच तक क्लियर हुआ, क्योंकि ये आपका पॉइंट को भी मिला रहा है इसलिए प्रतिच्छेद भी करेगा यहाँ भी, ठीक, पाँच हुआ। ये आपका छः हो जाएगा, ये सात हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, ये आपका नौ हो जाएगा, क्लियर हुआ नौ तक। अब यहाँ से देखिए ये आपका जो मिला है ये आपका दस हो जाएगा, इधर से ये आपका दो बिंदुओं को ही मिलाया है, ग्यारह हो जाएगा, ये भी आपका दो बिंदु को मिलाया है तो बारह हो जाएगा, समझ में आई बात। तो छः बिंदुओं में प्रतिच्छेदक जो बिंदु आपके दिखाई दिए कितने हो गए, बारह हो गए, ठीक। अब ये जैसे मिलाया गया उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जो प्रतिच्छेदक रेखाएं हो गए या संपर्क हो गए कितने हो गए, बारह हो गए। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ यानी कि ट्वेल्व। अब देखिए और भी प्रश्न जो आपके साड़ी वाले पूछे जाते हैं, टेबल बना के देता है। तो टेबल वाला देखिए प्रश्न उसको हमने इसलिए नहीं कराया कि वो अब 2016 तक आप देख रहे हैं यही पूछा गया, 2015 में पूछा गया था ये चीज़ें, तो पिछले पाँच सालों से ये आया ही नहीं है, तो उस तरह के जो प्रश्न हैं बनने बंद हो गए हैं, समझ में आई बात। नहीं तो वो क्या करता था, यहाँ पे इन्होंने ऐसे साड़ी बना के देते थे और उसमें भी वर्टिसेज और एजेज बना के देते थे, बोलते थे ये किस क्रम का है। तो मान लीजिए स्तंभ जितने हैं, ठीक, साड़ी की मैं थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ठीक। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये एक दो तीन चार, तो यदि ये पूछे कि यह किस क्रम का है तो ये फाइव गुड़े फोर का है, क्योंकि ये स्तंभ पाँच हैं और पंक्तियाँ क्या हो गई, सॉरी स्तंभ चार हैं और पंक्तियाँ आपका यहाँ पे पाँच हैं, फाइव गुड़े फोर या फोर गुड़े फाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हमने परिवहन नेटवर्क की बात की तो यहाँ पे आपका ट्वेल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरा पसंद आएगा, समझ में आए तो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कहीं भी कोई समस्या हो तो भी आप बताइएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।